बजट 2019 कौमी असेंबली में पेश। चीनी पर 17% सेल टैक्स आए। चीनी की कीमत में 3.65 रुपए फी किलो इजाफा। दूध क्रीम और फ्लेवर दूध पर 10% टैक्स लगा दिया गया। अद्वियात में इस्तेमाल शुदा केमिकल पर ड्यूटी 3% कम। दरामदी मुर्गा बकरे के गोश्त पर 17% सेल टैक्स आए। दरामदी बीफ और मछली के गोश्त पर 17% सेल टैक्स लगा दिया गया। वज़ीर मुमलिकत हमाद अज़हर ने कौमी असेंबली में बजट पेश किया। जनूबी पंजाब के शहरियों और ताजरों ने बराह रास्त तकरीर सुनी। जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए बजट 2019 से अच्छी खबर। सखर मुल्तान मोटरवे के लिए 19 अरब रुपए का पैकेज मुख्तर। मियांवाली का मुजफ्फरगढ़ दो रोया रोड भी बनाई जाएगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का बजट 2019-20 के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। बजट 2019 गुर्बत के खात्मे के लिए नई वजारत बनेगी। कम से कम तनख्वाह 17,500 रुपए मुख्तर। तनख्वाहदार तबके की सालाना 6 लाख रुपए आमदन पर टैक्स आय होगा। गैर तनख्वाहदार तबके को सालाना 4 लाख आमदन पर टैक्स देना होगा। माली साल 2018-19 में हुकूमत का सरकारी इलाजगाहों से सौतेली माह जैसा शुरू। मुल्तान की इलाजगाहों के लिए 1 अरब रुपए से ज्यादा का बजट जारी न हो सका। नेशनल अस्पताल 41 करोड़ रुपए, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स 34 करोड़ और डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल 1 करोड़ रुपए के बजट से महरूम रहा। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को 30 करोड़ रुपए की सैमाही बजट की किस्त जारी न हो सकी। डीजी खान और तौंसा को सरसब्ज और खूबसूरत बनाने का मनसूबा। पीएचए डीजी खान और लाहौर के दरमियान वाहिदा तय पा गया। कमिश्नर डीजी खान की जांच से पीएचए लाहौर को 6 करोड़ रुपए का चेक भी दे दिया गया। और लोधरा में डिप्टी कमिश्नर राह इम्तियाज अहमद की जेर सदारत जिले बहबूद फंड बोर्ड का इजलास। बहबूद फंड के लिए 794 दरख्वास्तों में से 790 दरख्वास्तें मंजूर कर ली गयी।